अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की बात करेंगे कि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की क्या अहमियत है। असल में केमिस्ट्री को शुरू से एक एक्सपेरिमेंटल साइंस समझा जाता था, मगर अब एक कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री इसका एक बहुत इंटेग्रल पार्ट यानी बहुत अहम हिस्सा बन गई है। तो ऐसा क्यों है और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री क्या है? डेफिनेशन की बात करें तो पहले थ्योरेटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री इज़ मैथमेटिकल मेथड्स कम्बाइंड विथ फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स टू स्टडी द प्रोसेसेस ऑफ केमिकल रेलिवेंस। ये कोई भी केमिकल फिनोमेना है तो आपको वो ज़ाहिर है वो एक्सप्लेन होगा फ्रॉम द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिर लॉज ऑफ फिजिक्स रेलिवेंट लॉज ऑफ फिजिक्स सेटअप करके उसको मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है, और फिर सॉल्यूशंस वो वाली जो सॉल्यूशंस आपको केमिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करती हैं ऐसी सॉल्यूशंस। तो दैट इज़ थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। चलिए एक इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। अब जब आप आईआर स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल है उसका पैलेट बना के उसमें से आईआर रेडिएशन गुजारते हैं। तो हर मॉलिक्यूल में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड होती है, सीएच बॉन्ड होती है, सीओ बॉन्ड होती है। वो हर बॉन्ड अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रही होती है और हर बॉन्ड की अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो स्पेक्ट्रा में आपको वो सारा एक ये स्पेक्ट्रा मिल जाता है और हर बॉन्ड की एक फ्रीक्वेंसी है, एक मखसूस फ्रीक्वेंसी है जिससे वो वाइब्रेट करती है। अब जो अगला सवाल आता है, क्यों इसकी ये फ्रीक्वेंसी क्यों है या इसकी ये क्यों है फ्रीक्वेंसी? अच्छा, उसके लिए फिर दोबारा से लॉज ऑफ फिजिक्स की तरफ कुछ जाना पड़ता है, कुछ क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन। ये क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन यानी वो इक्वेशन जो गवर्न करती हैं फॉर वेरी स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है, ये सेटअप की ये पोटेंशियल एनर्जी है वाइब्रेटिंग सिस्टम की, इसको लॉज ऑफ फिजिक्स से डिराइव किया और फिर इस इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है और वहाँ से हमें फ्रीक्वेंसीज भी मिल जाती हैं, एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल्सो द वेव फंक्शंस। तो वो यानी ये पूरा स्पेक्ट्रा प्रिडिक्ट हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ से ये एक एक्सप्लेनेशन आ गई कि एक बॉन्ड की ये फ्रीक्वेंसी क्यों क्यों है। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। अब कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की तरफ आते हैं, यानी वो जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें कंप्यूटर कैलकुलेशंस का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व किया गया है। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री इज़ अ सब फील्ड ऑफ थ्योरेटिकल केमिस्ट्री वेयर केमिकली रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय कंप्यूटर कैलकुलेशंस एंड इन दिस केस वेरी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरेटिकल मेथड्स आर ट्रांसलेटेड इनटू यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी वो जो इक्वेशन सेटअप करते हैं वो आपने कुछ उसको सॉल्व नहीं करना, वो सब सॉल्व कंप्यूटर ने करना है, आपने सिर्फ एक कमांड इसको देना है और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। और जो रिजल्ट आएंगे दे वुड बी रेलिवेंट टू द केमिकल प्रॉब्लम, और आपका काम ये है कि आपने उसको इंटरप्रेट करना है उन रिजल्ट को। चलिए एक एग्जाम्पल कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की भी ले लें। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बेंजिमिडाज़ोल है कंपाउंड, और ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब अगर ये पिंक है तो इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज अगर कोई रखें उसको उसके ऊपर उस पर अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रीन है इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको ये मिल रही है और ये कहीं नेगेटिव है या कहीं पॉजिटिव है। अच्छा, ये हज़ारों लाखों पॉइंट्स हैं जो कैलकुलेट हुए हुए हैं एंड दिस वर्क इज़ डन बाय द कंप्यूटर। एक गिवन फार्मूला से वो सारी, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है हर एटम पे और बॉन्ड ऑर्डर्स कितने हैं, और वहाँ से वो पूरा सारा ये कैलकुलेशन, ये आप हाथ से कर ही नहीं सकते किसी सूरत। तो कंप्यूटर ये सब हज़ारों लाखों कैलकुलेशंस करके और आपको ये मैप बना के दे देता है। फ़ायदा इसका क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर अब यहाँ पे तो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्शन मिलेगी, सो एनी पॉजिटिवली चार्ज मॉइटी वुड अप्रोच फ्रॉम दिस साइड, दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक टेक प्लेस फ्रॉम हेयर एंड इफ देर इज अ न्यूक्लियोफाइल देन दीज आर द साइट्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, अब ये तो एग्जाम्पल हो गया कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री इन का?
अच्छा, अब साइंस के हर शोबे में एक रेवोल्यूशन आ चुकी है ड्यू टू द यूज़ ऑफ दिस एवर फास्टर कंप्यूटर्स एंड इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, और ये एक कंटिन्यूसली इवॉल्विंग फील्ड है, इसमें एक चेंज आता जा रहा है। और इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दूं, मेरे पढ़ाती रही हूँ क्वांटम, और वो वही नोट्स यूज़ हो जाते हैं विद स्मॉल चेंजेस, मगर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में तो कोर्स 5-10 साल के बाद आपको पूरा कोर्स रिवाइज करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा नई चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, और इनको यूज़ करना बहुत आसान है, यानी बस ड्रॉ करना होता है अपने मॉलिक्यूल स्क्रीन पे, आपको स्ट्रक्चर पता है आपको मॉलिक्यूल क्या है, और फिर आप उसको कंप्यूटर को कमांड दे दें कि सेमी एम्पिरिकल एब इनिशियो DFT, जो जो भी कैलकुलेशंस हैं वो कर लें। इन सब में फ़र्क ये कि आपके किसी में इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़रा टाइम कम लगेगा, कि सारे कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं, मोर सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशंस हैं। नाउ दीज कैलकुलेशंस प्रोवाइड यू विद डेटा कंप्राइजिंग ऑफ अ नंबर ऑफ पेजेस। चला तो आपने लिया, ड्रॉ कर दिया, क्लिक किया, कमांड दिए कंप्यूटर पे, आपके पास रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट में से आपने अपनी काम की चीज़ें निकालनी है। फॉर दैट यू नीड अ ग्रास्प ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्लियर पिक्चर ऑफ द फिजिकल फिनोमेना एंड सम इनसाइट, देन ओनली देन यू कैन इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। देयरफॉर एक्सपर्टीज ऑफ रनिंग द सॉफ्टवेयर इज नॉट इनफ। वो इतना मुश्किल नहीं है कुछ सॉफ्टवेयर पर चलाना सीखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप बैठ के तो आपको चलाना आ जाएगा, मगर जो उसमें से डाटा निकल रहा है उसको आपने इंटरप्रेट कैसे करना है। फॉर दैट यू शुड नो द बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड देन सम इंट्यूशन एज टू हाउ टू डिज़ाइन द वर्चुअल एक्सपेरिमेंट, सिमुलेशन ऑन द कंप्यूटर एंड कैपेबिलिटी ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अच्छा, उसमें अगर आपको, यानी ये तो आपने खुद ही डिज़ाइन करना है ना, सोचना है कि कौन सी ऑप्शंस चलानी है, कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करनी है, तो वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इस कोर्स में कुछ एमओ कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस की ट्रेनिंग भी होगी, और सम बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड विल बी यूज टू प्रिडिक्ट द मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटीज, दिस वुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड। नाउ मॉलिकुलर मॉडलिंग इज़ अ वेरी वाइडली यूज टर्म, नाम आपने सुना ही होगा मॉलिकुलर मॉडलिंग। पहले तो बताए मॉलिकुलर मॉडलिंग क्या है। मॉलिकुलर मॉडलिंग इज टू मिमिक द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिकुलर सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, ये शुरू में पहले हम ये यूज़ करते थे प्लास्टिक मॉडल्स, ये पी ऑर्बिटल्स हैं, एंड देन दिस इज़ अ पेंसिल मॉडल, एक्चुअली ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया, मतलब एक्चुअली ये इस तरह का तो नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ मॉडल, दिस इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी यूज़ मॉलिक्यूलर कंप्यूटर कैलकुलेशंस एंड फॉर मॉलिक्यूलर मॉडलिंग थ्योरेटिकल कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस। अब ये देखें, ये एग्जाम्पल है, लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्स है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, और इन ये मॉलिकुलर मॉडल्स हैं, इनको आप रोटेट कर सकते हैं, इन डिफरेंट प्लेन्स है, तो 2 डायमेंशन में प्ले रोटेट करके आपको 3D पिक्चर क्लियर हो जाती है, एंड देन फ्रॉम ऑन ऑफ द स्क्रीन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स वाई किसी एटम पे रख के क्लिक करें तो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, दो एटम्स पे क्लिक करें बॉन्ड लेंथ्स, एंड देन यू कैन फाइंड द बॉन्ड एंगल्स, डाईहीड्रल एंगल्स एंड ऑल दैट। नाउ द मॉलिकुलर मॉडलिंग कैन बी यूज टू विजुलाइज द मॉलिक्यूल, विजुलाइजेशन तो आपने अभी देखी है, देन इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऑल दिस कैन बी प्रिडिक्टेड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, बिकॉज ट्रांजिशन ऑल दीज कैन बी डिटर्मिन्ड बाय एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटेशन, बट एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेज इट इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, एंड देन अगेन इन सम केसेज इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, एंड वी कैन गेट सम वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, देन दीज आर सम ऑफ द कंप्यूटेबल प्रॉपर्टीज फ्रॉम मॉलिकुलर मॉडलिंग।
स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री. यानी एक सवाल ये आता है कि भाई एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ आपने निकाल ली, उसको कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से निकालने का क्या फ़ायदा है. नाउ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री कैन एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, इट कैन प्रिडिक्ट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, डिज़ाइन न्यू मटीरियल्स विद रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज यूजिंग कंप्यूटेशनल केमिस्ट्रीज, इट कैन कम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, provide an insight of the phenomena taking place at the molecular level. Experiment में आपको ये तो नहीं नज़र आता ना molecule और atoms किस तरह से bonds टूट रही हैं, बन रही हैं, what is taking place at the at this micro level. तो ये आपको computational chemistry पे एक बड़ी screen में सब कुछ एक नज़र आ जाता है. अब let me explain this by using some very simple examples. एक example बकी बॉल, आप सबको पता होगा बकी बॉल क्या होता है. C60 सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं और फुटबॉल की तरफ अरेंज होते हैं, 5 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग, स्फेरिकल शेप. एक्सपेरिमेंटली इट वाज नोन दैट द केमिकल रिएक्शंस कैन अकर एट द सरफेस एंड आल्सो इनसाइड द बकी बॉल. व्हेन थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस वर कैरिड आउट देन it can be seen that the charge density, electron density is here and in the center there is a hole. And actually this electron density is 2D, actually it is 3D. अच्छा सफेयर है और 3D charge density है और center में कोई charge density नहीं है. Therefore a metal atom or a small molecule it can fit in here. So in this case an experimental observation was explained by the theoretical result. Then another example, this is the again buckyball reactivity. Now experimentally it was known that buckyball can react with certain crystals to produce a nanoparticle, quantum dot, very small nanoparticle, it is known as a quantum dot, and the buckyball itself breaks up. This was also theoretically the phenomena was found to be thermodynamically feasible. यानी इस पर जब calculations की गई कि इस reaction में तो क्या होगा, कितनी energy release होगी, तो यह energy भी calculate हो जाती है कि कितनी energy उसमें से होगी, तो you can predict the energy released. So in this case you see the experimental results are being complicated, being complemented by the theoretical results. Then we come to the paramagnetic character of oxygen. This is a very classic example. अब आपको पता है यह lowest structure जो है, यह oxygen का lowest structure यही है ना, oxygen molecule का. It has no unpaired electron. Our magnetic properties are due to the unpaired electrons. But oxygen molecule is paramagnetic. It is not diamagnetic. तस्वीरें भी आपने कभी देखी होंगी नेट पे या वैसे, कि लिक्विड ऑक्सीजन को पोर किया जा रहा है मैग्नेटिक पोल्स पर, वो स्टिक कर रही हैं मैग्नेट को. इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, अब यही फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है. ऑक्सीजन की ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑक्सीजन के ये दूसरे ऑक्सीजन के, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए मॉलिक्यूल में, और फिर इनमें इलेक्ट्रॉन फिल किए गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू हून्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. और यहाँ पर नज़र ये आता है कि वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट इज़ अ डायरेडिकल. And therefore, it is a diradical, it shows paramagnetic properties. It shows magnetic property. It is a diradical, and it is a very stable diradical. Most of the diradicals formed are very unstable. But oxygen is a stable diradical, but very reactive. It also explains the reactivity of the oxygen molecule. और वैसे इस पे जब calculations भी करते हैं, O2 with paired electrons and O2 with unpaired electrons, so O2 with unpaired electron is more stable, it has more negative energy. Next we come to a very important aspect of computational chemistry, that is the prediction of chemical reactivity. We have two reactants A and B,
and they combine to form AB. Therefore, delta G of the reaction is G of AB, free energy of this minus free energy of this minus free energy of this. And if this is negative, then this is a spontaneous reaction, and if this is positive, this is a non-spontaneous reaction. Very simple. But this can be applied to very different classes of compounds. Applying this to investigate drug-drug interaction. ये एक मॉलिक्यूल है AZM एसीटेटाजोलामाइड. अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लू है ये नाइट्रोजन्स हैं, ये ऑक्सीजन्स हैं, ये भी नाइट्रोजन हो गया. ग्रे जो है ये हाइड्रोजन्स और ब्लैक कार्बन. अच्छा, और ये ड्रग है AZM एंड दिस इज़ पेन किलर. दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म ड्रग. या किसी को हाइपरटेंशन है तो वो तो फिर ले रहा है ना ये AZM, एंड दिस इज़ अ पेन किलर. तो कभी कभी कोई पेन किलर भी लेनी पड़ती है. आप कौन सी सवाल ही होता है कौन सी पेन किलर ले, तो वो लेनी चाहिए कि जो इसके साथ इंटरेक्ट ना करे. तो चलिए, ये हमने मॉडल बना दिया कि ड्रग वन, दिस इज ड्रग वन, दिस इज ड्रग टू, दे फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ई बी. अब बाइंडिंग एनर्जी हम निकालनी है. कैसे निकालनी है? एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, माइनस एनर्जी ऑफ दिस, माइनस एनर्जी ऑफ दिस. दिस इन दिस केस दिस कम्स आउट टू बी माइनस 1.11 किलो कैलोरीज पर मोल. नेगेटिव है. अगर नेगेटिव है तो इसका तो मतलब है कि ये दोनों इंटरेक्ट कर रही हैं. तो ये जो ड्रग है इसके साथ नहीं लेना चाहिए. ये वैसे वोल्ट्रल है. अब ये काम मेरी रिसर्च स्टूडेंट ने किया था. पब्लिश्ड वर्क है ये. खाना AZM को रखा सेंटर में. इसके साथ ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं, इनके रिएक्शन, इसके साथ इंटरेक्शन निकाला. अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिव है, रिथ्रोमाइसिन नेगेटिव है, एमोक्सिसिलिन नेगेटिव है. डेल्टा बाइंडिंग एनर्जी, चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी. तो ये इस ड्रग के साथ ये दोनों तो नहीं लेनी चाहिए, और बाकी सेफली ले सकते हैं. इसी तरह से पेन किलर्स में किया. अब आप ये देख लें कि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये नहीं इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता. बाकी इनमें से कोई भी ले ले. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ट्राइसिल एंटासिड. हाईली नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव है एंटासिड है. तो एंटासिड तो हमेशा डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एंटासिड को आप कोई भी मेडिसिन लें उसके साथ मत लें, 4-5 घंटे का गैप रखें. अच्छा, तो ये इस तरह के काफ़ी सारे चार्ट्स बनाए थे ये सेंटर वाली ड्रग भी चेंज करके, और पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स के साथ. और ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस यूज़ की थी जो बहुत टाइम भी नहीं लेती. अच्छा, यहाँ से इस चार्ट को देख के हमने अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था. ये ड्रग ली और यहाँ से दो ये ले ली, इनके साथ ये चूज़ कर ली, इधर से ये दो चूज़ कर ली, और दो वैसे भी कर ली. यानी ये पॉजिटिव कंट्रोल हो गया, ये नेगेटिव कंट्रोल हो गया. दो ड्रग्स और भी चेंज कर ली जो इंटरेक्ट नहीं करती. फिर इस फिनोमेना को, इंटरेक्शन को स्टडी किया गया यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, साइक्लिक वोल्टमेट्रिक मेथड या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. और सबसे वही रिजल्ट आया जो यहाँ आ रहा है. फिर उन्हीं ड्रग्स को मोर सोफिस्टिकेटेड थ्योरेटिकल कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन से, DFT मेथड्स, और उनसे कर लिया गया, और उसमें और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई. यानी इस केस में इसको ये थी कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस को यूज़ किया गया एज अ गाइडलाइन फॉर द एक्सपेरिमेंटलिस्ट. और इसको इस पे हमने तो ये थोड़ा काम करके बहुत नहीं किया, और इस पे बहुत आगे काम हो सकता है. फिर डिफरेंट pH पे भी किया, एक्सपेरिमेंटली भी किया, थोरेटिकली भी किया, और उससे पता ये चला कि ये सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है इन एसिडिक pH 4, which is the pH ऑफ द स्टमक. यानी जो इंटरेक्शन होता है वो पहले ही हो जाता है. तो इसको ये एक गाइडलाइन थी टू डिज़ाइन अ एक्सपेरिमेंटल वर्क. एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ रिसर्च है आजकल एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस ऑन क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल्स एंड डिफरेंट मटेरियल्स विच कैन बी यूज्ड एज सेंसर्स.
इसमें ये मैंने आपको बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल दिया है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने देखना ये है कि ये इस पे एड्सॉर्ब होती है कि नहीं। ठीक है, हमने एड्सॉर्ब करा ली, स्ट्रक्चर तस्वीर बना ली है इसकी, एड्सॉर्ब करा दी है। और अब कैलकुलेशंस करें, एनर्जी ऑफ दिस माइनस एनर्जी ऑफ दिस माइनस एनर्जी ऑफ दिस, दिस कम्स आउट टू बी 4.81 किलो कैलोरीज पर मोल। ये तो कह रहा है कि नहीं, प्रेडिक्शन तो ये है कि ये नहीं होगी एड्सॉर्ब। एंड देन कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन इस पे एड्सॉर्ब की, एनर्जी ऑफ दिस माइनस एनर्जी ऑफ दिस माइनस एनर्जी ऑफ दिस, दिस कम्स आउट टू बी -0.662 किलो कैलोरीज पर मोल। नेगेटिव आई है ना एनर्जी, तो इसका मतलब है कि ये एड्सॉर्प्शन होगी। एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ अ फ्री वैलेंस। नेक्स्ट, ड्रग डीएनए इंटरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ रिसर्च नाउडेज। Some small molecules, a variety of small molecules, they can interact with DNA, and if they interact with DNA, then they distort the structure of DNA. DNA does not replicate, and if DNA does not replicate, then these drugs can act as anti-cancer drugs. किस तरह से interact करती हैं ये small molecules drugs? अच्छा, अब ये DNA का structure पहले देख लें, ये बड़े simplified structure. These are the base pairs, and you can see that the base pairs have nitrogen atoms and they are electron rich, therefore. These are the sugar groups and then the phosphate group. Phosphate group is negatively charged. If there is a positively charged species, it can come here and there should be electrostatic attraction and strong interaction. Then if we see this structure of DNA, this is the sugar backbone. No, sugar, this is the backbone and then the base pairs. The helical structure with sugar backbone. Okay. Now you can see in this structure there are grooves in DNA. You have this groove and this groove. You have a major groove and a minor groove. This is a major groove and minor groove. Now a small molecule can fit in this groove. And it can also fit in this groove depending upon its size and shape. And fit in yahan pe ho jate hain, ye bahut strong interactions nahi hoti. Hydrogen bonding hoti hai, pi pi star interaction and so on. Magar hoti hai, this is a weak interaction, but this is an interaction. And then this intercalation, this is a strong interaction. Isme kya ho raha hai? The small molecule intercalates between the base pair, and base pair, as I mentioned before, they are electron rich and they can donate some charge density here. And if this is electron deficient or it has some electron withdrawing group, then you can be a sort of a charge transfer complex may be formed if this species can attract electrons. So if there is an interaction of a small molecule with DNA, then it can act as an anti-cancer drug. So here is some data. These are some drugs, and it was assumed that the drugs formed some sort of a complex with DNA. These are the results, and we got the binding constants, formation constants or binding constants. एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, यानी ये साइक्लिक वोल्टामेट्री मेथड से है, ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, एंड दीज रिजल्ट्स आर फ्रॉम मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। अब ये तो सारे डिफरेंट आ रहे हैं, यानी ये और है, ये और है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह ये है, साइक्लिक वोल्टामेट्री में एक सॉल्वेंट हमने यूज़ किया, ड्रग अब ऐसे तो नहीं साइक्लिक वोल्टामेट्री सेल में जाती है, उसको डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, एंड देन वी हैव सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। यूवी विजिबल में भी ड्रग को डिसॉल्व करते हैं इन सम सॉल्वेंट, एंड इन मॉलिकुलर मॉडलिंग इन दिस केस we did not consider the solvent effect. Solvent effect अब हो सकता है, incorporate कर सकते हैं, उसमें time भी चाहिए होता है, ज़रा computer power भी ज़्यादा चाहिए, वो तो सकता है, मगर बहरहाल हमने इसमें नहीं किया था। ये मेरे PhD student के रिसर्च वर्क का डाटा, ये भी पब्लिश काम है ये। अब एक और चीज़ अब नोट कर लें कि
यहाँ हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट किसकी है, ये है 65, ये जो हायर एंड पे आ रही, नहीं ये माइटोजॉन्ड्रियन एंड इन तीनों में देखिए इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग आ रही है। देखो माइटोजॉन्ड्रियन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रग, देन साइक्लोफोस्फामाइड दिस इज वीक, यहाँ पे भी वीक, स्मॉलर आ रहा है, फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, सो दिस इज अ वीकर ड्रग, सो द ट्रेंड इज द सेम। चलिए ट्रेंड सेम है, कुछ इतनी एग्जैक्ट रिजल्ट्स भी नहीं आए, पर पहला रिजल्ट इससे बेहतर हो सकते हैं अगर आप हायर उस पे जाएं, वो सोफिस्टिकेटेड मेथड्स पे जाएं, मगर एक्सपेरिमेंटली तो एक चीज़ हमने पता कर ली, तो इसका थ्योरेटिकली क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि एक्सपेरिमेंटली तो आपको सिर्फ एक सिग्नल मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल मिलता है, उसमें डीएनए थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो वो ड्रग का सिग्नल चेंज हो जाता है। उधर भी यूवी विजिबल में भी ऐसे ही है, यूवी सिग्नल है ड्रग का, उसमें मॉलिक्यूल का, उसमें डीएनए कतरा कतरा डालते हैं तो वो सिग्नल में चेंजेस आते हैं, यहाँ से वो अपनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। यहाँ तो आपको हमें तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये फ्लोरोयूरोसिल है, दिस इज़ अ बेस पेयर रिप्लेसर, यानी कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाता है, एक बेस पेयर को हटा के उसकी जगह लग जाता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग। कार्बोप्लेटिन है, इंटरस्ट्रैंड लिंकर बेस पेयर्स को कनेक्ट कर रहा है। देन डॉक्सोरिबोसिन वेरी कॉमनली यूज एंटी कैंसर ड्रग, इसमें ये दो तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरकलेशन है, ये जो एंथ्रासीन पार्ट है ये इंटरकलेट कर रहा है बिटवीन द बेस पेयर्स, एंड देन दिस पार्ट इज लैचिंग ऑन, दिस इज ग्रूव बाइंडिंग, ये शुगर्स कुछ अटैच होती हैं और जो ग्रूव में जाके लैच हो जाती हैं, और इस तरह से ये इंटरकलेट तो कर लेता है, ये बाहर नहीं निकल सकता, ये इसकी लैचिंग हो गई है, सो इट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग ड्रग। देन साइक्लोफोस्फामाइड सॉर्ट ऑफ एन इंटरकलेटर। अच्छा, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ फिर आपको यहाँ उसमें दिया नहीं है कि कहाँ ड्रग की कहाँ कहाँ इंटरेक्शन होती है, कहाँ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और कहाँ वो पाई पाई इंटरेक्शन हैं। अच्छा, इसी तरह से ड्रग डीएनए इंटरेक्शन को एक और तरह से भी स्टडी किया गया है, ये बेंजामिडाज़ोल का स्ट्रक्चर है। अच्छा, एंड दिस इज आर, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो हमने ये सिंथेसाइज हुई थी हमारी लैब में डिपार्टमेंट में विद डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स थे, तो उसकी हमने पहले सबकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस कर ली, जहाँ हमें इंटरेक्शन ज़्यादा मिला हमने वो कंपाउंड्स चूज़ किए कि जहाँ हमें पता था कि हमें ये इंटरेक्शन मिलेगा। तो अगेन थ्योरेटिकल केमिस्ट्री वॉज प्रोवाइडिंग अ गाइडलाइन फॉर द एक्सपेरिमेंटलिस्ट, वो कंपाउंड्स चूज़ किए जहाँ पे इंटरेक्शन था। अच्छा, और उनकी अब ये तो बाइंडिंग कॉन्स्टेंट्स है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये सारे थ्योरेटिकल पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंडेक्स है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंडेक्स इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, देन केमिकल पोटेंशियल। अब एक चीज़ ज़रा आप यहाँ पे देखें कि ये जो है पैरा नाइट्रो, जब व्हेन आर इज अ फिनाइल नाइट्रोफिनाइल सब्स्टिट्यूएंट, नाइट्रोफिनाइल है, ऑर्थो मेटा पैरा कुछ भी हो सकता है, तो आर की जगह जब नाइट्रोफिनाइल लगाया तो अब आप देखें कि ये सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन आ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंडिंग आ रही है, ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हो गया। अब इसका जवाब चाहिए कि क्यों, आप ये देख लें इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे आर पैरानाइट्रो है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंडेक्स, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ये भी सबसे ज़्यादा है, केमिकल पोटेंशियल ये भी सबसे ज़्यादा है, और अब ये अगर ये जो ग्रुप है ये इंटरकलेट करता है बिटवीन द बेस पेयर्स, बेस पेयर्स आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, तो ऑब्वियसली बाइंडिंग ज़्यादा होगी, तो दिस इज एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। चलिए ये एक और हम डिज़ाइनिंग ऑफ मटेरियल्स पे आ गए हैं,
कोई भी मटेरियल आपने बनाना है, आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको रिक्वायर्ड है। तो पहले आप मटेरियल को डिज़ाइन कर लें और उसके पे कैलकुलेशन चला के देख लें, तो वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि नहीं जो आपको चाहिए। अगर तो आती हैं तो आप एक्चुअली जाके मटेरियल बनाएं, अगर नहीं आती तो मत बनाएं, क्योंकि दिस कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल और सॉफ्टवेयर है तो उस पर तो आपकी कोई कॉस्ट तो नहीं ना आ रही। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर पैकेज है, आपने डिज़ाइन किया मटेरियल, उस पर कैलकुलेशंस करके देख ली, एंड देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू सिंथेसाइज द मटेरियल और यू डोंट वांट टू सिंथेसाइज इट। क्योंकि सिंथेसिस ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल काम एक्सपेंसिव होता है। देन मॉलिकुलर मॉडलिंग कैन बी यूज फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस पे कैलकुलेशंस करके ये इसका होमो आया है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ऑब्वियसली अगर कोई रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होगा या इलेक्ट्रॉन्स निकालने, वो यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, अब ज़रा देखें इसको आके देखें, वैसे इलेक्ट्रॉन्स ये इसका होमो आ रहा है, ये ऑक्सीजन के ये दो। अच्छा, अब अगर ऑब्वियसली आप वैसे कॉमन सेंस से भी यही नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो वो ऑक्सीजन से ही निकलेंगे ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। अच्छा, अगेन एन एग्जांपल ऑफ बेंजामिडाज़ोल। वैसे ही आप मॉलिक्यूल को देखें, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, बस यहाँ कहीं से निकलेंगे। अगेन होमो, यू कैन सी होमो इज लोकलाइज्ड हियर। नो, दीज वर सम वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। एंड वी वुड ऑफर अ कोर्स सम बेसिक ऑन द बेसिक्स एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, एंड दिस वुड बी फॉर केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स विद द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के बहुत सारे सब फील्ड हैं, मगर यह हमारा जो फोकस होगा वो क्वांटम मैकेनिकल मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन पे होगा। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमने बताना है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस को कैसे यूज़ करना है टू प्रिडिक्ट द मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्टिविटीज़, और एक दफ़ा प्रिडिक्ट करके उसको अपनी रिसर्च में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे यूज़ करना है। एंड द टूल यूज्ड वुड बी हाइपरकेम-8 पैकेज, एंड द टॉपिक्स कवर्ड वुड बी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एक्चुअली मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस जो हैं वो बेस्ड है क्वांटम मैकेनिक्स पे, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं टू फाइंड द एनर्जीज एंड शेप्स ऑफ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, और फिर आगे सारी चार्ज डेंसिटीज एंड ऑल द मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज़। तो विदाउट दिस यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस। देन व्हाट आर मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस, देन हुकल मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस, दीज आर वेरी सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस। और इवन ये इतनी सिंपल है कि फॉर वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स यू कैन डू दिस कैलकुलेशंस बाय हैंड, यानी फॉर टू एटम्स और मॉलिक्यूल विद टू एटम्स और थ्री एटम्स, उसके बाद नहीं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर वो तो कंप्यूटर पे ही होती है, तो कंप्यूटर को तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, टू एटम्स हो या 100 एटम्स हो, उसको जो एल्गोरिदम जो कमांड दिए हुए हैं वो तो उससे तो उस तरह से सॉल्व करना है। एंड देन सेमी एम्पिरिकल एंड एबिनेशन कैलकुलेशन, दीज वुड बी यूज इन योर रिसर्च, एंड देन हाउ टू इंटरप्रेट द डाटा ऑब्टेंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू इंटरप्रेट द डाटा ऑब्टेंड। Then the prediction of UV visible, IR and microwave spectra. अच्छा, एक्चुअली अब माइक्रो प्रिडिक्शन की सवाल को यह है कि प्रिडिक्शन की क्या ज़रूरत है, ये तो एक्सपेरिमेंटली आ जाती हैं, मगर यहाँ आपको इससे बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। इतना डेटा बहुत ज़्यादा आता है इनमें, मगर उस डेटा को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन कि एक्चुअली क्या हो रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे। देन बेसिस सेट एंड एब इनिशियो कैलकुलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस कैलकुलेशन इन योर रिसर्च। एंड देन द डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी एंड हाउ टू एडवांटेजेस एंड हाउ टू यूज इट। थैंक यू।